हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं सफोला फिटिफाई गौरमे हाई प्रोटीन सूप के बारे में। तो ये सूप का पैक कुछ इस तरीके का आता है और ये 24 ग्राम का पैक का एमआरपी आपको 49 रुपीस पड़ता है, बट मैंने ऑनलाइन परचेस किया और ये एक कॉम्बो के अंदर मैंने पैक ऑफ 8 392 रुपीस के एमआरपी के साथ में परचेस किया। All these high protein soups are curated by Chef Kunal Kapoor and created by nutritionist. ये जो soups हैं इनके अंदर protein की quantity normal जो soup है उसके comparison में 4 times ज़्यादा है और ये soups आपको ज़्यादा long time के लिए आपका जो tummy है उसको fuller feel कराते हैं। अगर आप diet conscious हैं या फिर आप slim होना चाहते हैं तो वो इसमें help भी करता है। तो सफोला की ये soups को बनाने का तरीका का ये है कि एक पैक को लेकर उसको 150 ml ऑफ हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है और सूप बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ पर सफोला का फ्रेंच मशरूम गार्लिक सूप अगर हम देखें तो इसके अंदर जो मशरूम जो मशी करके उसके डाला गया है, साथ ही इसमें कुछ सोया चंक्स ऊपर दिखाई देते हैं। और ये जो सूप है इसका अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, इसकी रिचनेस की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है। इसको अब हम टेस्ट करके देख लेते हैं। इसके अंदर काफी अच्छा आपको रिच फ्लेवर मिलता है मशरूम का और साथ में इसमें आपको गार्लिक का भी फ्लेवर आता है। और ये सारे के सारे सूप्स के अंदर कोई भी एडिड प्रिजर्वेटिव कलर या कोई भी एनिमल एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये प्योरली वेजिटेरियन सूप है तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो वेजिटेरियन है और हाई प्रोटीन डाइट अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। इस सूप के इंग्रेडिएंट्स में सोया प्रोटीन को डाला गया है, साथ ही इसमें ओट ब्रान, ओट फ्लावर, व्हीट फाइबर जैसे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा, लेकिन इसके जो सोया चंक्स हैं वो पूरी तरीके से सॉफ्ट इसके अंदर अभी तक हुए नहीं है। अब हम नेक्स्ट इसके टेस्ट कर लेते हैं। हाई प्रोटीन सूप है जो कि इटालियन मिक्स वेज है, जो कि कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसमें भी सोया चंक्स आपको मिलते हैं और इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी जो मशरूम वाला सूप है उससे थोड़ी सी पतली है, बट इसका स्वाद मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसमें भी सोया चंक्स जो हैं वो कच्चे कच्चे इसमें फील होते हैं, ना उनका कोई क्रंचीनेस है, थोड़े से च्यूई हो गए हैं और इसका स्वाद मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया है। इस इटालियन मिक्स वेज सूप के अंदर बकवीट, क्विनोआ और टर्मरिक, मोरिंगा जैसे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को डाला गया है, लेकिन इसके अंदर जब आप टेस्ट करते हैं तो टर्मरिक का अपना ही एक टेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, वो सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेता है और वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट सूप है मैक्सिकन स्वीट कॉर्न। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम मशरूम गार्लिक सूप की जैसी है और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। इस सूप के अंदर कई कई आपको एक दो पीस कॉर्न के मिल जाते हैं और इसका टेस्ट इटालियन मिक्स वेज सूप से अच्छा है, बट मशरूम गार्लिक सूप का टेस्ट अभी भी नंबर वन पे है। अब हम नेक्स्ट सूप जो है वो टेस्ट करने वाले हैं, जो कि सबका फेवरेट भी होता है, वो है टमाटो सूप। कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये जो मशरूम गार्लिक सूप है उससे थोड़ी सी लिक्विडी है और एकदम मिक्स वेज सूप की जैसी कंसिस्टेंसी है। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें क्रंची ऊपर तैरते हुए हैं और इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। मुझे ये टोमेटो सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे पहले हमने कैफे वर्ल्ड के टोमेटो सूप का रिव्यू किया था, वो टोमेटो सूप एकदम अमेजिंग थे, लेकिन आपको इसके अंदर टर्मरिक का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको मिलता है और कोई भी मसाले का फ्लेवर इसमें नहीं आ रहा है। साथ ही टोमेटो का टैंगीनेस और जो टोमेटो सूप का जो एक जान होती है, उसका जो प्राइम टेस्ट होता है, वो भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इन सब सूप्स में नंबर वन पर है फ्रेंच मशरूम गार्लिक सूप और नंबर टू पर है मैक्सिकन स्वीट कॉर्न, फिर नंबर थ्री पर इटालियन मिक्स वेज है और सबसे लास्ट में आता है टोमेटो सूप। तो मुझे ये सूप ठीक ठाक लगे, एवरेज लगे। आपको ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।